hello everyone this is jatin from gladtutor.com and today we will talk about the methods and techniques of costing in cost accounting and also the difference between the methods and techniques of costing so if you are new to my channel after watching this video if you like my video so please like and don't forget to subscribe my channel so without wasting so much time let's get started सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग हेल्प्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रिक्वायरमेंट इवन एवरी कंपनी हैज द डिफरेंट नीड्स लाइक द प्रोडक्शन प्रोसेस काइंड एंड लॉट मोर मैथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या करता है हमारी हेल्प करता है एक फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने में पर हम कह सकते हैं कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो होते हैं वो हर कंपनी के हिसाब से डिफरेंट वैरी करता है हर कंपनी की डिफरेंट नीड्स होती है उनका उनका डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोसेस होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसी के हिसाब से इनके मेथड्स भी डिफरेंट होते हैं तो बेसिकली दे आर टू मेथड्स ऑफ ऑफ कोस्टिंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग सो द टू मेथड्स आर स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन मेथड सो फर्स्ट मेथड इज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड दिस टाइप ऑफ मैथड इज़ इज़ यूज इन दोज कंपनीज़ वेयर वर्क इज डन बाय दी स्पेसिफिक ऑर्डर जॉब्स टारगेट और बैचेज़ स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मैथड क्या होता है ये उन कंपनीज़ में यूज़ होता है जहाँ पे हम वर्क को एक स्पेसिफिक ऑर्डर से करते हैं किसी रूल से फॉलो करते हैं या किसी जॉब्स से करते हैं किसी काम को टारगेट से करते टारगेट पहले फिक्स करती है या बैचज़ के हिसाब से काम करती है वहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मैथड यूज़ होता है परम हम स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग को भी हम चार टाइप्स ऑफ कोर्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन इज जॉब कोस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग बैच कोस्टिंग एंड टारगेट कोस्टिंग द फर्स्ट मैथड ऑफ कोस्टिंग इज जॉब कोस्टिंग इट इज़ ए टाइप ऑफ कोस्टिंग मैथड इन विच द कोर्स इज नॉन कंपेयरेबल नॉन रिपीटिटिव एंड अकर्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये किस तरह की कोस्टिंग होती है जहाँ पे कोस्ट होती है हम कोर्स को कंपेयर नहीं कर सकते और नॉन रिपीटेटिव होती है दोबारा रिपीट नहीं होती है किसी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है अंडर दिस टाइप ऑफ कोस्टिंग कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर ईच एक्टिविटी जॉब और वर्क सेपरेटली इस टाइप ऑफ कोस्टिंग में क्या होता है हम कोस्ट को सिंगल एक्टिविटी वर्क और जॉब के लिए अलग से कैलकुलेट करते हैं लाइक like, अगर आपके घर में कोई सैनिटरी वाला आया है सब या कोई प्रेस कोई इलेक्ट्रिशन आया है वो हमेशा थोड़ा ना आएगा वो किसी एक स्मॉल जॉब के लिए आया किसी काम के लिए आया वो करने के बाद वो चला जाएगा तो प्लम्बर है प्लम्बर है सैनिटरी है प्रेस प्रिंटिंग है ये किस में आते हैं जॉब कोस्टिंग अंडर आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कोस्टिंग इज कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग अंडर दिस कोस्टिंग द वर्क और जॉब इज ऑफ बिग लेवल एंड अक्कर फॉर दी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस टाइप ऑफ कोस्टिंग में क्या होते है? होता है जो हमारा काम होता है जॉब होती है वो बड़े लेवल की होती है और इस इसका जो अंदर जो काम होता है इस कोस्टिंग के अंदर वो लॉन्ग पीरियड तक चलता है द एग्जाम्पल ऑफ दिस कोस्टिंग दिस टाइप ऑफ कोस्टिंग इज बिग कंस्ट्रक्शन कंपनीज फॉर हाईवेज एंड बिल्डिंग्स आपने देखा होगा बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके इंजीनियर्स के हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं ब्रिज बनता है तो ये क्या होता है ये कोई दस दिन में तो खड़ा हो नहीं जाता ब्रिज यहाँ पे इंडिया में तो इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग होता है ये लॉन्ग टाइम तक चलता है प्रोजेक्ट तो इसमें कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग यूज करती है थर्ड टाइप ऑफ कोस्टिंग इज द बैच कोस्टिंग दिस मैथड ऑफ़ कोस्टिंग इज़ यूज इन दोज कंपनीज़ वेयर द वर्क इज़ डन इन द स्मॉल प्रोसेस ऑर्डर्स लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बिस्किट कंपनीज़ एंड लोट मोर तो पहले जानते हैं बैच क्या होता है बैच क्या होता क्या होता है जब हम किसी काम को स्मॉल प्रोसेस ऑर्डर्स में छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो काम जल्दी हो जाए तो उसको हम बैच कोस्टिंग बैच कहते हैं ये दिस ये कॉस्टिंग कहाँ पर होती है ये उन कंपनीज़ में यूज़ होती है जैसे जहाँ पे हम काम को स्मॉल प्रोसेस ऑर्डर में डिवाइड करते हैं जैसे फा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्या होता है हम इंजेक्शन देखते हैं इंजेक्शन में सीरेंज होती है सीरेंज तो सीरेंज के लिए अलग से बैचेज होते हैं इनके बिस्किट कंपनीज होती है एंड मोर सो द फोर्थ टाइप मैथड ऑफ कॉस्टिंग इज टारगेट कॉस्टिंग इट इज द टाइप ऑफ कॉस्टिंग मैथड वेयर द टोटल कॉस्ट इज डेटर बिफोर स्टार्टिंग द वर्क प्रोसेस बाई गिविंग द बिड प्राइज दिस टाइप ऑफ कोस्टिंग इज यूज इन बिग टेंडर प्रोजेक्ट्स वेर दी कॉन्ट्रैक्टर्स गिव द टारगेट कॉस्ट ये कोस्टिंग मेथड कहाँ पर यूज होता है जहाँ पे हम पहले टोटल कोस्ट डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें किसी काम को स्टार्ट करने से पहले हमको इतनी कॉस्ट लगेगी ताकि हम अपना बिड प्राइस दे सकें मान लो आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो आपको एक टेंडर लेना है किसी का तो आपको आपको एक अपना बिड प्राइस देना होता है वहाँ पर कि मैं इतने रुपये में काम कर दूँगा तो अगर आप उनको बताने वाले हो कि मैं इतने रुपये में काम करूँगा पहले आपको पता चलना पता होना चाहिए ना कि आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी तो उसके लिए आपको पहले टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करनी पड़ती है कि हाँ इस अराउंड मेरा खर्चा आएगा और इतना मेरा प्रॉफिट होगा उसको ऐड करके आपके जितने भी एक्सपेंसिज होंगे लेबर एक्सपेंसि जो भी आप रखोगे वो ऐड करके आप एक टारगेट कॉस्टिंग देते हो तो दिस तो टाइप ऑफ कॉस्टिंग मैथड इज़ यूज इन दोज सिचुएशन सो आई होप आपको अब तक ये मैथड और कॉस्टिंग समझ आया होगा हमने अभी इसका फर्स्ट टाइप कर ली है स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मेथड जिसमें चार थे जॉब कोस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग बैच कोस्टिंग एंड टारगेट कोस्टिंग नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस ऑपरेशन कोस्टिंग मेथड दिस टाइप ऑफ कोस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन दोस कंपनीज वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज वॉल्यूम प्रोसेस इन दिस टाइप ऑफ कोस्टिंग गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग बाय पासिंग द मल्टीपल प्रोसेस स्पेसिफिक में क्या था हम काम को करते थे किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए किसी स्पेसिफिक बैचेस के लिए टारगेट के लिए करते थे यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे गुड्स लार्ज वॉल्यूम में मैनुफैक्चर होते हैं इसमें जो इस इस कोस्टिंग में क्या होता है गुड्स को हम बनाने के लिए एक मल्टीपल प्रोसेस से जाना पड़ता है मान लो एक शैम्पू है या कोई एक अगर हम क्लोथ कर रहे हैं क्लोथ के भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं क्रूड ऑयल होता है ऑयल को रिफाइन करते हैं उसके भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो एक प्रोडक्ट को बनने में जितने प्रोसेस होते हैं तो वो प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ होते हैं इस इस मैथड में यूज़ होते हैं तो इसको भी हम इस कोस्टिंग मेथड में चार टाइप ऑफ कोस्ट आती है फर्स्ट वन इज प्रोसेस कोस्टिंग सिंगल आउटपुट कोस्टिंग ऑपरेशनल कोस्टिंग ऑपरेटिंग कोस्टिंग डिपार्टमेंटल कोस्टिंग एंड मल्टीपल कोस्टिंग सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द प्रोसेस कोस्टिंग दिस कोस्टिंग मेथड इज़ यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन दिस द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज असर्टेन एंड दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज यूज इन इन क्रूड ऑयल कंपनीज पेंट्स शैम्पूज कंपनी ये कोश्चिंग मेथड कहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हम कोस्ट को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ करते हैं मान लो एक प्रोडक्ट है आप क्रूड ऑयल कर रहे हैं या कोई शैम्पूज़ है तो इसमें क्या होता है ये एक ही ये पहले रॉ मटेरियल होता है इसका इसको हम रिफाइन करते हैं इसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको क्लॉथ एग्जाम्पल देते हैं तो क्लॉथ कभी भी सिंपल थोड़ा बन जाता है पर इसकी स्टिचिंग होती है उसकी कटिंग होती है पैकेजिंग होती है उसको हम अलग अलग मैथ उसमें डिवाइड करते हैं उसके काम में डिवाइड करते हैं तो इसका क्या होता है अलग अलग प्रोसेस होते हैं एक काम को करने के तो इसमें हम क्या करते हैं हर प्रोसेस की डिफरेंट प्रोसेस की कितनी कितनी कॉस्ट लग रही है उसको हम डिटरमाइन करते हैं सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज द सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग इन इन दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ सिंगल प्रोडक्ट इज सर्टेन विच फर्म प्रोड्यूस बाय कैलकुलेटिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में क्या होता है आपका एक सिंगल प्रोडक्ट है कंपनी का कंपनी चाहती है कि मेरे को टोटल टोटल ओवरऑल कॉस्ट पता चले प्रोडक्ट की कितनी है तो ये मेथड उसमें यूज उस होता है जहाँ आप हमको ओवरऑल उसकी वैल्यू कॉस्ट पता पता करनी होती है कि हमारी कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की द थर्ड टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज ऑपरेशनल कॉस्टिंग दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज यूज वेयर द प्रोडक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर द लॉन्ग टाइम ये कॉस्टिंग मेथड कहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत लंबे टाइम चल रही है इन दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग द कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर ईच ऑपरेशन इन द प्रोसेस ऑफ हाई वॉल्यूम मान लो एक प्रोडक्ट को बनने में छ प्रोसेस लग एक प्रोसेस है हमारा हर प्रोसेस में क्या होता है मान लो हमारा प्रोसेस है कि हम रो मटेरियल को फिनिश गुड्स में करते हैं तो उसके अंदर कितनी ऑपरेशन आती है समझ लो एक प्रोसेस को पूरा करने के लिए कितने ऑपरेशन करने पड़ते हैं काम करने पड़ते हैं हमारे को तो इसमें क्या होता है हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में सिंगल प्रोसेस की प्रोसेस होता है उसकी कॉस्ट निकाली थी यहाँ प्रोसेस के अंदर जितने ऑपरेशन होते हैं एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितने ऑपरेशंस करने पड़ते हैं कितने काम करने पड़ते हैं हर ऑपरेशन का कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है इस ऑपरेशनल कॉस्टिंग में क्यों करते हैं क्योंकि ये हमारी को, ये कॉस्टिंग मेथड में प्रोडक्शन लंबे टाइम तक चलती है अगर हम पूरा प्रोसेस का निकालेंगे तो हमारी कॉस्ट डिसमैच हो सकती है जो हमने सोचा था खर्चा ज़्यादा हो सकता है कुछ घपला हो सकता है इसके अंदर तो इसमें हम हर ऑपरेशन का कॉस्ट निकालते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सीमेंट कंपनीज सीमेंट कंपनीज़ में यही होता है ऑपरेटिंग कोस्टिंग ऑपरेटिंग क्या होता है दिस इज यूज दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग मैथड इज़ यूज इन दोज कंपनीज विच प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट और सर्विस इन दिस द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट और सर्विस इज असरटेन टू नो द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल सर्विस ये कोस्टिंग मैथड कहाँ पर यूज होता है जहाँ पे जो कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस करती है तो इसमें क्या होता है वो हर सिंगल प्रोडक्ट की कोस्ट को हमार, हमार को कैलकुलेट करते हैं कि हमारी हमारे को डिफरेंट हमारे मान लो तीन प्रोडक्ट है तो हम मान लो एक शैम्पू है एक सोप है और एक और ऑयल है तीन प्रोडक्ट हमारे शैम्पू सोप और ऑयल तो हम तीनों की अलग अलग कितना खर्चा हो रहा है उनकी मैनुफैक्चरिंग पे वो हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग कोस्टिंग में नेक्स्ट मैथड ऑफ कोस्टिंग इज डिपार्टमेंटल कोस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ कोस्टिंग द कोस्ट आर असरटेन फॉर ईच डिपार्टमेंट लाइक दी सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू नो द बेटर कोस्ट इन साइड फॉर ईच डिपार्टमेंट तो इस टाइप ऑफ कोस्टिंग में क्या करते हैं हम कि हम कोस्ट कैलकुलेट करते हैं हर डिपार्टमेंट की चाहे वो सेल्स सेल्स डिपार्टमेंट हो कितनी सेल हो रही है सेल्स हो रही है तो हमको कितनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितनी प्रोडक्शन हो रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना फाइनेंस है कितना फंडस की जरूरत है या कोई फंड हमारा एलोकेट रॉन्ग वे तो नहीं हो रहा है तो वो डिपार्टमेंटल कोस्टिंग का काम होता है नेक्स्ट टाइप ऑफ कोस्टिंग इज द मल्टीपल कोस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ कोस्टिंग मेथड डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्टिंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द सेम प्रोडक्ट इट कंप्राइजेज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट्स डैट आर नॉट सेम इस मेथड ऑफ कोस्टिंग में क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्टिंग मेथड यूज करते हैं हम एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए और इसमें क्या होता है हम डिफरेंट कंपोनेंट प्रोडक्ट सेम है पर उसमें कंपोनेंट डिफरेंट्स होते हैं लाइक अगर अगर एग्जांपल लेते हैं हम ट्रेन का लेते हैं एरोप्लेन का लेते हैं तो ये प्रोडक्ट तो अलग अलग है पर इसमें क्या होता है इनकी कोस्टिंग मेथड कभी कभी इनकी सेम भी हो सकती है डिफरेंट टाइप ऑफ कोस्टिंग मेथड इनकी होती है सेम अप्लाई होती है किसी किसी जो में तो मल्टीपल कोस्टिंग का मतलब यही होता है कि कभी कभी सेम प्रोडक्ट अब ट्रेन है ट्रेन के लिए हम स... जरूरी नहीं है कि एक ही कोस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे इनके लिए भी अलग अलग कोस्टिंग मेथड हो सकते हैं या एरोप्लेन्स है एरोप्लेन्स के लिए भी अलग अलग कोस्टिंग मेथड हो सकते यूज़ हो सकते हैं तो ये था हमारा कंटिन्यूस ऑपरेशन कोस्टिंग मेथड के बारे में जिसमें हमने प्रोसेस कोस्टिंग सिंगल आउटपुट कोस्टिंग ऑपरेशनल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंटल कोस्टिंग एंड मल्टीपल कोस्टिंग के बारे में बात करी थी आई होप आपको ये समझ आया होगा नाउ कम टू द टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग इन कोस्ट अकाउंटिंग द फर्स्ट टेक्निक इज हिस्टोरिकल कोस्टिंग दिस टाइप दिस टेक्निक ऑफ टेक्निकस्टिंग इज इज द ओल्डेस्ट कोस्टिंग टेक्निक इन दिस कोस्टिंग टेक्निक द कॉस्ट आर असरटेन आफ्टर इनकरिंग द एक्सपेंसिस इट रिकॉर्ड्स द पास्ट कोस्ट विच इज़ ऑलरेडी इंकर्ड हिस्टोरिकल कोस्टिंग में क्या होता है मान लो पहले हम कोस्टिंग करते थे कैसे करते थे हम पहले प्री प्लानिंग करते थे मान लो आपने खर्चा करना है किसी चीज़ के ऊपर आपने प्रोडक्ट बनाना है उसमें दस हज़ार रुपये लेंगे सौ प्रोडक्ट के ठीक है मान लो सौ रुपये का एक प्रोडक्ट पे एक्सपेंस एक आता है आता है आपको सौ यूनिट्स बनानी है उनकी तो आपके दस हज़ार रुपये लेंगे तो पर अगर आप हिस्टोरिकल कोस्टिंग कर रहे हो आप पहले सोचते नहीं हो कि मेरे को दस हज़ार लेंगे आप सीधा प्रोडक्शन चालू कर देते हो और एंड में जाके देखते हो कि अच्छा इसमें इतना खर्चा आया था टोटल कोर्स मेरे को इतनी लगी है तो इसमें क्या होता था कि हम पहले हम खर्चे करते थे एक्सपेंस करते थे बाद में हमें कोर्स पता चलती थी कि अच्छा ये कोर्स निकलेगी इसकी तो इसमें हम पास्ट कोर्स को रिकॉर्ड करते हैं कि हम हम जो खर्चे कर चुके हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने प्रेजेंट में कि हाँ हमने पहले इतने खर्चे करे थे तो उसके हिसाब से हमारी इतनी कोर्स बनती है ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग इज़ दी स्टैंडर्ड कोस्टिंग इन दिस कोस्टिंग टेक्निक वी फर्स्टलीट अप प्रोडक्शन आफ्टर सेटिंग अप स्टैंडर्ड द प्रोडक्शन इज स्टार्ट एंड द कोस्ट इज कैलकुलेटेड आफ्टर दिस टाइप ऑफ कोस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर्स द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कोस्ट देन फाइंड आउट द प्रोफिटेबिलिटी इस टाइप ऑफ टेक्निक में क्या होता है हम पहले एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हमें पता होता है कितना खर्चा आना है तो हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं कि हमने इससे ऊपर खर्चा नहीं करना है आफ्टर सेटिंग ऑफ द हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं और अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी कॉस्ट काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम उससे ऊपर खर्चा तो नहीं कर रहे हैं अगर खर्चा उससे ऊपर हो रहा है तो डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग इज द मार्जिनल कॉस्टिंग इन दिस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग द एडिशनल आउटपुट इज एडेड टू द टू सी द ओवरऑल चेंज इन द प्रोडक्शन मार्जल कोश्चिंग में क्या होता है हम एक एडिशनल साथ से प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं ताकि हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की आउटपुट टोटल आउटपुट बढ़ जाए प्रोडक्शन का जैसे आपने देखा होगा मार्केटिंग में क्या होता है मार्केटिंग करते लोग तो एक टूथपेस्ट है तो उसके साथ में एक फ्री टूथब्रश दे देते हैं अभी टूथपेस्ट उनका नया नया आया मान लो कोई अभी उनके प्रोडक्ट को जानता नहीं है और अगर आपको एक बीस रुपये का पेप्सूरन मिल रहा है और बीस रुपये का एक नया प्रोडक्ट है जो अभी नया मार्केट में आया तो आप एब्सोडेंट ही लोगे आप कहोगे मेरे को नहीं चाहिए वो तो आप प्राइस कम भी कर देते हो तो कभी कभी होता है कि लोग कुछ लोग आ जाते हैं ख़रीदने के लिए पर सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप कोई चीज़ साथ में फ्री की दे, दे दोगे ना बेशक उसका प्राइस है पच्चीस रुपये कर दोगे या बीस रुपये कर दोगे तो उस लोगों को प्राइस नहीं दिखता है लो, लोगों को दिखता है कि हमें कुछ फ्री में मिल रहा है तो लोग कस्टमर्स क्या होते हैं ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि जब हमको कुछ फ्री में मिलती है मार्जिनल कुछ एडिशन add, मिलता है तो उससे क्या होता है हमारा टोटल प्रॉफिट टोटल प्रोडक्शन चेंज पे फर्क पड़ता है हमारे को हमारे प्रोडक्ट्स लोग कस्टमर लाइक करने लग जाते हैं कि हाँ इसके साथ फ्री में टूथब्रश भी मिल रहा है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं सो दिस टाइप ऑफ मार्जिनल कोस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज टू सी दी ओवरऑल चेंज इन दी प्रोडक्शन इसका फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग इज द डायरेक्ट कॉस्टिंग इन दिस कॉस्टिंग दी दोज कोर्स आर इंक्लूडेड विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एक्सपेंसिज लेबर एक्सेट्रा ये इस टाइप ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन में क्या होता है हम वो कॉस्ट इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली एसोसिएट है डायरेक्ट मटेरियल हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसिज हो गए डायरेक्ट लेबर होगी डायरेक्ट वेजेस होगी उनको ऐड करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग कंप्राइजेज ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इस टाइप ऑफ कोस्टिंग क्या करते हैं हम कॉन्ट्राडिट करते हैं डायरेक्ट का इनडायरेक्ट के साथ फिक्स का वेरिएबल के साथ तो दिस इज दिस इज अबाउट द टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी डिफरेंस बिटवीन दी मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आई होप आपको पहले समझ आगे होंगे टेक्निक्स हमारी हमने पांच तरह की टेक्निक्स करी थी हिस्टोरिकल कोस्टिंग स्टैंडर्ड कोस्टिंग मार्जिन कोस्टिंग डायरेक्ट कोस्टिंग एंड ऑब्जॉर् ऑब्जॉर्ब्शन कोस्टिंग नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफ्रेंस डिफरेंस क्या होता है मीनिंग क्या इनके दोनों का पहले मीनिंग डिफरेंस सोचते हैं हम क्या होता है कोस्टिंग मेथड क्या होता है इट इज़ यूज टू असरटेन दी कोस्ट ऑफ डिफरेंट नीड्स ऑफ कंपनी मैथड्स में क्या करते हैं कि हम पहले उनकी नीड्स जानते हैं कि उस कंपनी की नीड क्या है उन उसको कौन सा कोस्टिंग मैथड अच्छा लगेगा कौन सा उसको अप्लाई करना चाहिए ठीक है अब कंपनी अप्लाई कर चुकी कि मेरे को ये कोस्टिंग मैथड बने ठीक है ठीक है अब वो कॉस्टिंग मैथड लिए ठीक है तो उसके अंदर वो अपनी कोस्ट को असरटेन और कंट्रोल कैसे करेगा आपका एक लार्ज प्रोडक्ट आप मान लो आपने सोचा कि हाँ मेरा मेरा जो प्रोजेक्ट है ना कंपनी है वो उस पर प्रोडक्शन लार्ज लॉन्ग टाइम में चलती है तो आपने एक लॉन्ग टाइम कोस्टिंग मेथड ले लिया पर अगर आप कोस्टिंग टेक्निक में क्या करोगे आप उस उस लॉन्ग टाइम कोस्टिंग मेथड के के आप में आप कोस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे उसको कंट्रोल कैसे करोगे वो आप कहा सीखोगे कोस्टिंग टेक्निक से इंक्लूड्स इसके अंदर क्या क्या आता है कोस्टिंग मैथड में क्या क्या आता है स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मेथड कंटिन्यूस ऑपरेशन कोस्टिंग मेथड पर अगर बात करते हैं कोस्टिंग टेक्निक इसमें क्या क्या आता है एबजॉब कोस्टिंग स्टैंडर्ड कोस्टिंग मार्शल कोस्टिंग यूनिफॉर्म कोस्टिंग हिस्टोरिकल कोस्टिंग इनका पर्पस क्या होता है कोस्टिंग मेथड का पर्पस होता है कि टू प्रोवाइड द कैलकुलेशन मेथड ऑफ कोस्टिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कंपनी कि एक कैलकुलेशन मेथड दे दे कि इस तरह से आप कंपनी की नीड के हिसाब से कोस्टिंग कर सकते हो पर कोस्टिंग टेक्निक का क्या पर्पज़ होता है कि एक प्रोवाइड दी वे और टेक्निक ताकि अब आप अपनी कोस्टिंग को कैलकुलेट कर सके कि आपकी कोस्टिंग डायरेक्ट कोस्टिंग है यूनिफॉर्म कोस्टिंग किस तरह की कोस्टिंग है आपकी उसके हिसाब से आप एक टेक्निक के हिसाब से अपनी कोस्टिंग को कैलकुलेट कर सके तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने इस वीडियो से अबाउट अबाउट दी मैथड्स एंड टेक्निक कोस्टिंग तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मैथ्ड्स एंड टेक्निक्स कोस्टिंग के नोट्स चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वहाँ से आप ले सकते हैं और अगर आपको कंप्लीट कोस्ट अकाउंटिंग के नोट्स भी चाहिए तो मैंने उसका भी लिंक डाला डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ चेक करना एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ग्लैड ट्यूटर एंड टन ऑन दी बेलाइकन अगर मैं फ्यूचर में कोई वीडियो लेकर आऊँगा सो दैट यू विल भी नोटिफाइड थैंक यू Thank you very much.